हरारे में जिम्बाब्वे को हरा करके 5 विकेटों से भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले को न सिर्फ जीता बल्कि सीरीज भी 2 ही मुकाबलों में अपने नाम कर लिया है। और इसमें शानदार बल्लेबाजी रही संजू सैमसन की, लेकिन एक बल्लेबाज जिस पर की निगाह सबकी बनी हुई थी उसके फॉर्म में आने का, उसके रन बनाने का, और वो थे कप्तान केएल राहुल। लेकिन उनकी बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं चल पाई। जो गेम टाइम के लिए उनको जिम्बाब्वे भेजा गया था वो गेम टाइम उनको मिलता हुआ इस सीरीज में नजर नहीं आया है। पहले मैच में बैटिंग नहीं आई, दूसरे मैच में उनको बैटिंग मिली तो 5 बॉल पर ही पारी समाप्त हो गई। ऐसे में केएल राहुल ने अब एक बड़ा बयान दिया। दरअसल केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर जब उनसे पूछा गया पोस्ट मैच में कि आप क्या नर्वस थे इस रन चेस को लेकर के या आपकी बल्लेबाजी को लेकर, उन्होंने कहा बिल्कुल नर्वस नहीं था, हमारी बैटिंग बड़ी डीप थी और अच्छा लगा कि बाकी बल्लेबाजों को भी गेम टाइम मिला है। बाकी बल्लेबाजों मतलब दीपक हुडा को, संजू सैमसन को, ईशान किशन को, और मुझे भी जरूरत थी गेम टाइम की, आज नहीं मिल पाया लेकिन अगले मैच में मैं जरूर एक बार फिर से गेम टाइम लेने की कोशिश करूंगा, रन बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हम सब जानते हैं केएल राहुल का फॉर्म में आना, केएल राहुल का रन बनाना, गेम टाइम उनको मिलना एशिया कप से पहले, वर्ल्ड कप से पहले बहुत जरूरी है। और टीम इंडिया इसीलिए उनको आनंद फानंद में शिखर धवन को कप्तानी से हटा करके भेजती हुई नजर आई थी जिम्बाब्वे दौरे पर, वहां कप्तानी भी वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि दरअसल बल्लेबाजी जो मेरी है वो अच्छी है लेकिन सामने की गेंदबाजी बड़ी अच्छी नजर आई। जिम्बाब्वे के जो गेंदबाज हैं वो बड़े शानदार गेंदबाज हैं, मैंने प्रीवियस सीरीज देखा उनका बांग्लादेश के खिलाफ जो चल रहा था वहां पर उनके गेंदबाज बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि आप दूसरे गेंदबाजों की तारीफ कब तक करते रहेंगे, अपनी बल्लेबाजी के बारे में कब तक बात नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर केएल राहुल ने कहा कि मैं अपनी बल्लेबाजी पर भी ध्यान दे रहा हूं, गेम टाइम अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 मैच में नहीं मिला है बट अगले मैच में जो है वो जरूर गेम टाइम मुझे मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा रन बनाने की। हम सबकी उम्मीद यही है कि केएल राहुल जो काम करने इस सीरीज पर आए थे, इस दौरे पर आए थे, दरअसल दौरे पर आने का मकसद ये नहीं था कि भारत आकर के जिम्बाब्वे को 3 मैच में हरा दे और सीरीज जीत जाए। इस दौरे पर आने का मेन मकसद ये था कि जो एशिया कप में खिलाड़ी हैं या जिनको वर्ल्ड कप के लिए देखा जा रहा है वो खिलाड़ी टच में नजर आ जाए, अपने बल्लेबाजी के फॉर्म में नजर आ जाए, और उसमें केएल राहुल बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब केएल राहुल के लिए आखिरी मौका बचा हुआ है तीसरे ओडीआई मैच में, वहां रन बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो फिर एशिया कप में परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, रन बना करके जाएंगे तो शायद उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा पाकिस्तान के खिलाफ खेलना। तो अब देखना यह है कि केएल राहुल क्या कर पाते हैं। लेकिन केएल राहुल का जो बयान है कि अच्छी गेंदबाजी, कम से कम आपकी बल्लेबाजी भी थोड़ी अच्छी हो जाए तो आप इन अच्छी गेंदबाजी को निगोशिएट कर लेते हैं तो बड़ी बेहतर बात होगी, क्योंकि हर समय जब बड़ी टीमें सामने आएंगे तो गेंदबाजी अच्छी ही आपको मिलने वाली है। तो ये एक्सक्यूजेस बार बार नहीं चलने वाले हैं, एक मैच में चल गया ठीक है बट जब बड़ी टीमें आएंगी, बड़ी अच्छी गेंदबाजी आएगी, वहां पर आप भी बड़े बल्लेबाज हैं, आपको आप पर ही भरोसा हमें है, आपको भी रन बनाकर देना होगा। तो देखना पड़ेगा केएल राहुल कब फॉर्म में आते हैं। आपको क्या लगता है कि तीसरे मैच में क्या केएल राहुल एक बड़ी पारी खेलते नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, या फिर केएल राहुल का इंतजार हमें फॉर्म में आने का करना पड़ेगा एशिया कप में? कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।